वोल्टेज के बाद हम देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स से एनालॉगी बता देता हूँ। जैसे वोल्टेज जो है हम स्टडी कर रहे हैं, वोल्टेज इज जस्ट लाइक फोर्स इन मैकेनिक्स, ठीक है ना। मैकेनिक्स में क्या होता था, हम फोर्स अप्लाई करते थे तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता था। इसी तरह वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट पास होगा। तो करंट इज जस्ट लाइक द एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स एज डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते थे मैकेनिक्स में, वो यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जो वहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे, वो यहाँ वोल्टेज को करेंगे। और जो वहाँ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस को करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू अ वायर, दे कोलाइड विद अ वाइब्रेटिंग एटम्स ऑफ वायर एंड देयर फ्लो इज डिस्टर्ब। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है, एक कंडक्टर के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो जब अचानक से आपके ऊपर फोर्स आएगी फ्रॉम द वोल्टेज साइड, ठीक है, वोल्टेज आएगा, वोल्टेज फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इसको फोर्स लगेगा, इसको लगाएगा, इसको लगा, करते करते एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। इससे क्या होगा, कोलिजन होंगे, कोलिजन होंगे तो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होगी तो हीट होगी, हीट होगी तो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस बेसिकली करंट को अपोज करेगी। जैसे फ्रिक्शन करती है ना मूवमेंट को अपोज, जैसे फ्रिक्शन मूवमेंट को अपोज करती है, इसी तरह रेजिस्टेंस भी इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन। वो भी अपोज करेगी कि आपके चार्जेस जो पहले से बैठे हुए थे, इन मूव ना हो, यानी कि इनर्शिया का काम ना, इनर्शिया का काम है कि वो रुके रुके रहे ना, तो ये मूव ना हो, ये मूव ना हो तो इनको रोकेगी और वो रेजिस्टेंस रुक जाए। वो इतना ज्यादा रोक तो नहीं पाएगी, जैसे वहां पर फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाती थी। जब आप इंजन की फोर्स बढ़ा देते तो फ्रिक्शन ओवरकम हो जाती थी उससे। तो यहाँ पर भी यही रेजिस्टेंस रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत रहेगी। वो कोशिश करती रहेगी कि ना जाए करंट, लेकिन जाहिर है करंट को तो जाना है, क्योंकि करंट की फोर्स तो बहुत हाई है। ये वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कूलम्स में है, कूलम्स में मतलब ये कि 10^18 नंबर पर इलेक्ट्रॉन से पुश होंगे, तो जाहिर है फिर तो मूव होंगे। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस फ्रिक्शन शो करेगी, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस से क्या होगा, इससे हीटिंग इफेक्ट होता है, जैसे फ्रिक्शन से होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद वाइब्रेटिंग एटम एंड हाई टेम्परेचर। अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स को क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो और ज्यादा जोर से टकराते हैं, ज्यादा जोर से टकराएंगे तो क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। जब टेम्परेचर बढ़ाओ कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, करंट कम है ना, यानी कि रेजिस्टेंस और करंट क्या हुए, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। भाई जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो करंट को फ्लो होने में वो ऑपोजिशन देगी ना, तो इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस मीन्स लो करंट, और अगर लो रेजिस्टेंस होगी तो इसका मतलब हाई करंट, सही है ना। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं अपने लेक्चर में नोट कर लो नोट्स के अंदर, ताकि बाद में रिकॉल करने में आसानी रहेगी एग्जाम्पल्स जो है, ठीक है। अब हम मेन फैक्टर की बात करते हैं कि हम देख के कैसे बता सकते हैं कि दो कंडक्टर्स में से किस में ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस मेजर करने का वैसे मीटर आता है, इसको ओम मीटर कहते हैं, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की अपना जो यूनिट है ना वो है ओम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ओम, OHm, ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज OHm। अच्छा, इसका सिंबल भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ओम ना लिखना चाहें तो आप ये बना दें, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसका नाम होता है ओमेगा, ये स्मॉल ओमेगा है, ठीक है ना। और लार्ज ओमेगा जो है ना, वो ये होता है डब्ल्यू जैसा, कैपिटल ओमेगा इज दिस, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, ये ग्रीक अल्फाबेट है। तो आप फिलहाल इस वाले ओमेगा को याद रखें, ओम, या ये तो OHm लिखते हैं तो ऐसे सिंबल बना दें, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 20 किलो ओम,
तो इसका मतलब यही है कि या तो OHM या तो ज्यादातर हम इसी सिंबल को बनाते हैं, ठीक है। अब आप, मैं कह रहा था कि दो कंडक्टर होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है? सिर्फ देख के, मेजर करके नहीं। तो उनमें से फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। अगर दो कंडक्टर्स हैं जिसकी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ ऑफ द वायर। फिर आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया। अगर दो वो हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग कंडक्टर्स हैं, एक का एरिया बड़ा एक का एरिया छोटा है, जिसका एरिया बड़ा होगा ना उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों कम होगी? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास, चार्जर के पास स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है, वो मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड नहीं करेंगे। जब मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम से कम होगी। जबकि यहाँ पर क्या है, लेंथ में क्या है, ज़्यादा लेंथ है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और सब एक साथ कनेक्टेड हैं, मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए, चार्जेस तो बढ़ गए, लेकिन उनका कोलिजन का एरिया नहीं बढ़ा, उतना ही एरिया। एक कमरे में बच्चे भरे जाओ तो क्या होगा, टकराएंगे ना? अगर हाँ, कमरा बड़ा कर दो वही बच्चों के साथ तो फिर नहीं टकराएंगे। तो जस्ट लाइक दैट, कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बिकॉज द एरिया इज कन्फाइंड एंड नंबर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ। अनदर पॉइंट रीजन इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया। व्हाई? बिकॉज इफ द एरिया इज लार्जर देर विल बी मोर स्पेस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल नॉट बी कोलाइडिंग फ्रीक्वेंटली, दैट्स वाई द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? आई गेस नहीं है, तो फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है। अच्छा भाई, ये सब चीजें पढ़ने का मकसद यही था कि हमारे पास ओम्स लॉ पढ़ने का प्री रिक्वेस्ट आ जाए। ठीक है, हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज अ बेसिक लॉ गवर्निंग द होल इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे न्यूटन के लॉ होते हैं ना मैकेनिक्स में, उसी तरह यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जो कहलाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ रिलेशनशिप बताता है हमें वोल्टेज और करंट के बिटवीन। क्या बताता है भाई? ये बोलता है, पहले तो इसके स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट कहती है, द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इफ द टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। ओम्स लॉ कह रहा है कि द करंट पासिंग थ्रू अ वायर, देखो वर्ड्स पे गौर करना, मैंने भी शुरू में कहा था ना वर्ड्स पे गौर करना, करंट ऑलवेज पासिस थ्रू द वायर और थ्रू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑलवेज एक्ट्स अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, अक्रॉस जब भी आप कहेंगे ना वोल्टेज की बात, आप कहेंगे वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर और वायर, और करंट का जब भी कहेंगे तो थ्रू द। क्यों? क्योंकि देखो ना, कंडक्टर के अंदर से करंट जा रहा है ना भाई, तो थ्रू है, और वोल्टेज हमेशा अप्लाइड होता है कहाँ पर? अक्रॉस। एक यहाँ से पॉजिटिव आता है, ये यहाँ से नेगेटिव आता है, वापसी करंट यहाँ, यहाँ से वोल्टेज एनर्जी देता है, करंट यहाँ से गुजरता है, वापसी इसी लाइन से वापस आ जाता है। घर में दो सॉकेट होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से वापसी आ जाता है। तो दो एंड से कनेक्टेड है ना वोल्टेज, अंदर थोड़ी जा रहा है, करंट अंदर से गुजर रहा है, तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं करंट थ्रू द कंडक्टर वायर और वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर वायर। सही? ठीक ओम्स लॉ ने कहा कि भाई वोल्टेज, करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड इफ द टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। ये इसकी होगी लिमिटेशन। ठीक है, ये कह रहा है टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए ना, टेम्परेचर चेंज होगा ना तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला काम खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं भाई, वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा, वो कॉन्स्टेंट क्या होगा? आर होगा।
तो ये मशहूर जमाना इक्वेशन है ओम्स लॉ की, जिसे हम कहते हैं वी इजिकल्स टू आई आर। ठीक है, ये आपको बताती है वी इजिकल्स टू आई आर है। अगर आपको वोल्टेज निकालना है, आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन होंगे, मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपने एक्स एक्सिस पे करंट लिया, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया। इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको एक्स एक्सिस पे वोल्टेज गिवन हो और वाई एक्सिस पे करंट गिवन हो, तो फिर क्या करेंगे? तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ग्राफ में से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ तो आपने का ग्रेडियंट निकाल लिया ग्राफ का, आपको रेजिस्टेंस मिल गई। क्योंकि वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अगर यहाँ से देखूँ वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, और यहाँ वी क्या है? वाई है, आई जो है एक्स है, तो वाई अपॉन एक्स क्या है? ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। प्रोवाइडेड दैट वी इज ऑन वाई एक्सिस एंड आई इज ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन अगर उल्टा हो गया, वी यहाँ पे आ गया एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आई आ गया, तो आप कैसे निकालेंगे आर को? तो फिर आप ग्रेडियंट निकालेंगे वन अपॉन ग्रेडियंट करके। ग्रेडियंट निकाल के उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तब जाके आर आएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो वी इजिकल्स टू आई आर है, तो आई अपॉन वी क्या हुआ? वन अपॉन आर हो गया। ऐसे ही है, तो आप जब ग्रेडियंट निकालेंगे इस लाइन का, तो वन अपॉन ग्रेडियंट कर देंगे तो आर आ जाएगा, है ना? वन अपॉन आर इक्वल टू ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट इक्वल टू वन अपॉन आर, ग्रेडियंट इक्वल टू आर। ठीक है ना? मुनीजा, आपने क्वेश्चन किया कि लाइन चेंज नहीं, बेटा लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, जब तक ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। ओके, ठीक है। अब आपके पास आते हैं ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, एक ओमिक होते हैं, एक नॉन ओमिक होते हैं। ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। नॉन ओमिक में थोड़े टाइम के बाद जो है ना टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से ओम्स लॉ को वो पूरा पूरा फॉलो नहीं कर पाते। एक शुरू में करते हैं, फिर डेविएट कर जाते हैं। ओमिक आर दोज ओम्स लॉ, दैट इज आई डायरेक्ट टू वी, द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी इज स्ट्रेट लाइन। इसकी एग्जाम्पल की ओमिक की, प्योर मेटल्स आर ओमिक सब्सटेंसेस। जैसे आपके पास कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, या एल्युमिनियम है, ये सब क्या है आपके पास? प्योर मेटल्स हैं, तो ये ओमिक होंगे। इसी तरह नॉन ओमिक में क्या होगा? आर दोज विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ एंड आई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू बी। क्या हुआ नॉन ओमिक में? ये देखो शुरू में तो ये स्ट्रेट लाइन रहा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये डेविएट कर गया। ठीक है, यानी कि नॉन ओमिक है ये। नॉन ओमिक थोड़ी देर बाद अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल आपके पास है करंट वोल्टेज ग्राफ और फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प क्या होती है? फिलामेंट लैम्प अगर आपने देखा हो, एक इनकैंडेसेंट लैम्प होती है, अगर आपने देखा हो। वो लैम्प में क्या होता है, येलो कलर की लैम्प होती है, पहले आपने देखते होंगे, अब तो शायद कम होती है। पहले जमाने में घरों में भी होती थी, और बेकरियों के अंदर बिस्किट गर्म करने के भी काम आती थी। तो ये लैम्प जो है ना, ये कहलाती है इनकैंडेसेंट लैम्प या फिलामेंट लैम्प। इसको आप कहते हैं फिलामेंट लैम्प। क्यों कहते हैं इसको फिलामेंट लैम्प? क्योंकि इसके बीच में एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, बीच में सेंटर में। टंगस्टन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। वो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप उससे करंट गुजारते हो ना, तो वो रेड हॉट हो जाता है, और अबाउट 3200 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है, इतना गर्म हो जाता है। तो जब इतना गर्म होगा तो टेम्परेचर तो वेरी करके, टेम्परेचर वेरी किया तो ओम्स लॉ क्या करेगा? थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। स्टार्ट में तो करंट गुजरेगा ओम्स लॉ के तहत, वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई।
बाद जब टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा, और फिर क्या होगा, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है, यानी कि पैरेलल टू वी जा रहा है, यानी कि वी बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन करंट नहीं गुजर रहा, करंट बहुत थोड़ा सा गुजर रहा है, देख रहे हो करंट में इतना इतना सा चेंज आ रहा है, हालांकि वी में कितना बड़ा चेंज आ रहा है ये देखो। इसका मतलब क्या है कि जब फिलामेंट लैंप होती है ना, वो करंट को वेस्ट बहुत करती है, इसलिए इसको बैन भी कर दिया गया है, यानी कि एक टाइम के बाद उसमें से करंट बहुत कम गुजरता है। अब वोल्टेज धीरे जाए वो आपकी एनर्जी कंज्यूम करता जाएगा, लेकिन करंट बहुत कम गुजारेगा, क्योंकि वो लिमिट हो जाता है जाके, इसीलिए वो ज्यादातर एनर्जी अपनी हीट में लॉस करता है, इस वजह से करंट कम जाता है उसमें से। एक स्टैट के मुताबिक 70% जो है ना वो हीट देता ही है, और 30% आपको लाइट देता है, तो 30% लाइट का मतलब 70% का लॉस हुआ ना इनकैंडेशन लैंप में। फिर दूसरा आपका है थर्मिस्टर, और नॉन ऑमिक, सारे नॉन ऑमिक है, नॉन ऑमिक एग्जाम्पल नहीं है। थर्मिस्टर में क्या होता है, थर्मिस्टर के अंदर जो है ना एक लेवल तक ये ओम्स लॉ वैलिड रहता है, फिर क्या होता है, थर्मिस्टर तो काम ही डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पे करता है, थर्मिस्टर इज द थर्म डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर, कि जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा भाई टेम्परेचर बढ़ा, थर्मिस्टर ने अपना बिहेवियर चेंज किया और ओम्स लॉ से डेविएट कर गया, अब ये स्ट्रेट लाइन होना शुरू हो गया, यानी कि इसका वोल्टेज जो है वो अब चाहे बढ़ाओ ना बढ़ाओ इसमें करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एक सेकंड काइंड हो गई, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट करना है तो कुछ नोट कर लो। हाँ और बाकी एग्जाम्पल क्या है आपके पास, थर्मिस्टर के अलावा एलडीआर है, डायोड है, ठीक है, दो और एग्जाम्पल्स हैं। एलडीआर है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और डायोड है आपका सेमीकंडक्टर, वो हम आखिरी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉन ओमिक का मतलब समझ में आया, नॉन ओमिक वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसकी वजह से वो फिर ओम्स लॉ से डेविएट कर जाते हैं, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन से हटके कुछ और हो जाता है। यहाँ पे आपको फेमिलराइज कराएंगे इलेक्ट्रिक सिंबल्स से, जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक सिंबल्स होते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब डीसी सर्किट्स पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को फिर मुश्किल ना हो, ये पढ़ के आइएगा सारे, मैं अभी बता भी देता हूँ समझा देता हूँ, तो याद रखिएगा, ताकि जब डीसी सर्किट्स बनाएंगे तो आप फिर बार बार ना पूछो, पूछ भी लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। पहला सिंबल क्या है, ये स्विच का सिंबल है, इस तरह का अगर कुछ बनाओ ना स्विच चाहिए, और ये कौन सा स्विच है, ये ओपन हुआ हुआ अभी स्विच, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ये जो है ना इसकी ये यहाँ पर ऊपर है, अगर ये मैच हुई हुई होती ना ऐसे तो ये क्लोज स्विच होता है, अभी ये ओपन स्विच है, ऊपर की तरफ है ना ये। दूसरा क्या है, ये सेल है, सेल में क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सेल है, एक से ज्यादा सेल जब ज्वाइन हो जाते हैं तो बैटरी बन जाती है, तो ये बैटरी का सिंबल है, काम दोनों का एक ही है। सेल क्या है, आप देखो रिमोट के अंदर दो सेल लगते हैं, एक साइड पे एक सेल लगता है, दूसरी साइड दूसरी सेल लगता है, वो अलग अलग है ना, तो वो सेल है, और अगर मिक्स मिला देते हो तो वो बैटरी बन जाती है, जैसे कि आपने बच्चों के टॉयज वगैरह देखे होंगे गाड़ियों में, एक बैटरी होती है वो क्लब हुई भी होती है, एक हाउसिंग के अंदर होती है, बस एक ही होती है, उसको आप इंसर्ट करते हो, ब्लू कलर की देखी होगी, इस तरह से बनी हुई होती है के ऊपर, यहाँ पर ये ऐसे बना होता है, ये बैटरी होती है, इसके अंदर सेल होते हैं, और जो सेल अलग से होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक सेल ऐसा एक सेल ऐसा, दो मिक्स होते हैं मिलके बने होते हैं तो बैटरी होती है, और अलग होते हैं तो सेल होते हैं, तो सेल का सिंबल ये है और बैटरी का सिंबल ये है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके पास पावर सप्लाई, पावर सप्लाई मतलब यही कि जिससे आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो बैटरी और सेल एक तरह की पावर सप्लाई है, लेकिन ये डीसी है, इन डीसी के अलावा कोई और पावर सप्लाई होगी तो वो फिर ये होगी, इस तरह पावर सप्लाई मतलब जिससे करंट दे रहे होंगे, बैटरी और सेल भी पावर सप्लाई है, लेकिन अगर जनरली कोई और पावर सप्लाई है तो वो ऐसी होती है। फिर इसके बाद है वायर्स जॉइंड, यानी किसी सर्किट में अगर दो वायर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे ना तो इस तरह का एक गहरा सा डॉट बना देंगे, इससे पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे आके ये दोनों वायर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे ये और ये मिल रहे हैं, और इस पॉइंट पे ये नीचे वाला और ये मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है वायर क्रॉस,
वायर क्रॉस का मतलब है कि ये दोनों वायर आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे, एक वायर ऐसे जा रहा है इंसुलेटेड, एक उसके ऊपर से वैसे ही जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, टच नहीं हो रहा है, ऐसे हवा में से जा रहा है, ठीक है। तो ये वायर क्रॉस होंगे, इसको ज्यादातर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के दिखाया था, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर ये है वैसे। फिर आता है लैंप का सिंबल, अगर लैंप कहीं पे बनी हुई ना सर्किट में, तो ऐसा ये सिंबल होगा। अच्छा, अब इससे ज्यादा मशहूर सिंबल जो है ना वो ये हो गया, क्रॉस सर्कल, ये भी लैंप का सिंबल है। ये लिख लो, जो मैंने नहीं यहाँ बनाया हो ना वो लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिख लो ऐसे, ठीक है। ये फिक्स रजिस्टर का सिंबल है, फिक्स रजिस्टर मतलब ये, जैसे एक लाइन, एक इस तरह बॉक्स, तो रजिस्टर हम लोग बोल रहे हैं सर्किट के अंदर वो रजिस्टर होंगे। फिक्स रजिस्टर ये है, वेरिएबल रजिस्टर ये है, वेरिएबल रजिस्टर या रिएक्टिव, वेरिएबल रजिस्टर को इस तरह भी दिखाते हैं और ये एरो के साथ भी दिखाते हैं, तो कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस आप सर्किट में रखते हुए चेंज कर सकते हो। इसकी एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये रजिस्टर है लैब में, इस रजिस्टर के ऊपर एक नॉब लगी हुई है, इस रजिस्टर के ऊपर ये क्या वायर्स वाउंड हुए हैं, एंड वायर्स की अपनी रेजिस्टेंस होगी। अब ये नॉब क्या करती है, नॉब जो है ना इस पूरे रजिस्टर की लेंथ को चेंज करती है। पहली लेंथ क्या थी, ये थी एल, ये नॉब में आगे ले आऊंगा तो ये आधी हो गई, एल अपॉन टू हो गई। जब मैंने लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ, लेंथ कम की तो उसके रेजिस्टेंस से आधी होगी। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं जिसको रियल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्यूज, फ्यूज का सिंबल ये है, एक बॉक्सेस के अंदर से लाइन जा रही है, इसको रेजिस्टेंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। रेजिस्टर का सिंबल ये है, इसमें बाहर तक लाइन है, फ्यूज में अंदर से जा रही होती है, ठीक है भाई। दिस इज फ्यूज एंड दिस इज रेजिस्टर। फिर आता है आपके पास कॉइल ऑफ वायर, जो कोई कॉइल है वायर का तो ऐसा होगा, और इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ये है, ठीक है। आपने ये बनाया, ट्रांसफार्मर क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे, सिर्फ सिंबल देख लो। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये सर्कल, इसमें जी दोनों साइड पर वायर निकल रही है, या फिर इसमें एरो भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, करंट मेजरिंग नहीं है, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, इसलिए बताएगा कि करंट है या नहीं सर्किट में। इसके बाद आता है एम मीटर, एम मीटर होता है करंट मेजरिंग डिवाइस, एम मीटर आपको मेजर करके बताएगा, एम मीटर ये एम्पेयर मीटर का पूरा नाम है, एम मीटर का, ये आपको मेजर करके बताएगा करंट कितना है सर्किट के अंदर। देन वी हैव वोल्ट मीटर, वो बताएगा सर्किट में वोल्टेज कितना है। इसके अलावा फिर ये आता है टू वे स्विच, टू वे स्विच क्या होता है, आपके घर के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, घर में स्विच बोर्ड होता है, उसमें लाइट के तीन स्विचेस हैं, ऊपर करोगे तो ऑफ हो जाएगा, नीचे करोगे तो ऑन हो जाएगा, तो ये टू वे स्विच कहलाता है, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास है अर्थ, अर्थ हमने ऊपर एक बड़ा अर्थिंग का के इस तरह का सिंबल है, एक लाइन, एक छोटी लाइन, फिर और छोटी लाइन, और एक, और फाइनली वी हैव कैपेसिटर्स, कैपेसिटर पंखों में लगे होंगे, देखा हो आप लोगों ने, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके क्या होता है। उसका सिंबल ये है, सिंपल एक लाइन, एक दो छोटी लाइन है, बीच में गैप गैप होना चाहिए इन दोनों वर्टिकल लाइंस के, और एक लाइन, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक कोई सवाल तो नहीं है, फिर हम एंड करते हैं क्लास। बेटा यस ये कौन बात कर रहा है, जी सर क्लियर ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह सैटरडे को क्लास में मिलते हैं, ओके।
अल्लाह हाफिज़।